जी की फिलॉसफी खादी के बारे में लोगों को लगता है कि ये एक अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की घोषणा करने के लिए या अंग्रेज़ी मिलों में बने हुए कपड़े के खिलाफ ये आज़ादी है, लेकिन वो ये चाहते थे कि आज़ादी हर एक इंसानी तौर पर हो, कि हम जितना कपड़ा बुने उतना ही कपड़ा पहने और जितने हमें कपड़े की ज़रूरत हो वो हम खुद पूरा बुने। खादी बनाना चाहते हैं तो खादी कह नहीं सकते जब तक हमें पहले KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन से हमें जब तक उसका लाइसेंस ना मिले। अगर आप चरखा काटने के लिए आपको जो पूनी लगती है कपास की, पूनी नहीं मिलती, वो बनती है KVIC के की जहाँ जहाँ पे केंद्र हैं इसकी रोविंग यूनिट बनाने के लिए। हम इसको अगर खोल दें, ऐसा करें कि बिना किसी मिसयूज़ हुए, बिना किसी करप्शन के, अगर हम लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बनाने की सुविधा दे सकें, सबसे भारी रोज़गार निर्माण करने का अगर कोई कार्य है ग्रामीण क्षेत्र में तो ये खादी बन सकता है। इसमें ये पोटेंशियल है। ये जो महिलाएं हैं जिनके पास जीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है और जिनके पास कोई दूसरी हुनर नहीं है या उनके पास कोई उद्योजकता नहीं है, वो एंटरप्राइज नहीं शुरू कर सकती, उनको हमने कहा भाई जो तुम कुछ नहीं कर सकती हमारे पास आओ, हम तुमको चरखा चलाना सिखाएंगे, सूत काटना सिखाएंगे, तुम सूत बनाओ, हम सारा सूत तुम्हारा ले करके तुमको पैसा देंगे। अगर हम इसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें तो सबसे बड़ा काम होगा। और इसके करने के लिए हमें खादी को आज़ादी दिलाने के, आज़ादी मतलब ये करिए इसके ज़रिए आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें। अगर कोई मिल करके उसको एक एंटरप्राइज बनाना चाहता है, जब तक कि वो हमारी जो खादी की परिभाषा की सीमाएं हैं उसको हम लांघते नहीं, तब तक तो करने की हमें सुविधा मिलनी चाहिए। बहुत लोग हैं जिन्होंने इसका गैर इस्तेमाल भी किया है, खादी के नाम पर कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, मिल में बन रहा है वो बिक रहा है वगैरह। क्वालिटी कंट्रोल की दृष्टि से जो भी आपको उसमें बंधन लगाने हो, जो उसका चेकिंग करना हो, सुपरविजन इंस्पेक्शन करना हो, ये करिए। भाई गांधी जी का ये तो सारा स्वावलंबन का ही मुख्य उसकी फिलॉसफी है, स्वावलंबन के जरिए भाई जो कोई बनाना चाहे, चाहे सिर्फ अपने लिए, अब चलिए उससे हम थोड़ा आगे बढ़ के अगर जाना चाहें, इसको एक उत्पादन का साधन बनाएं, इससे GDP बढ़ेगी हमारी। प्रधानमंत्री ने खादी को इतना बढ़ावा देने के लिए इतना जोर दिया है, इतने जोश के साथ, इतने इमोशन के साथ वो खादी की बात हर बार कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी सप्ताह में एक दिन खादी पहने, कितनी इससे मांग बढ़ जाएगी खादी की। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ इतनी खादी पैदा करने की आज हमारे देश में क्षमता नहीं है, और ये क्षमता सिर्फ पूरे गवर्नमेंट की व्यवस्था से, गवर्नमेंट कंट्रोल व्यवस्था से शायद जल्दी तो नहीं होगा। खादी का महत्व कुछ आज के ज़माने में कम नहीं हुआ है, इसका मतलब इसका महत्व बदल गया है कि ये अंग्रेज सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो आज की कमर्शियल दुनिया के से हमें एक दूसरी ओर ले जा रहा है कि हम अपनी ज़रूरतों को अपनी मेहनत से पूरा करें, तो ये अपने में एक आज़ादी है कि हमने अपनी मेहनत से अपने कपड़े, अपनी सब्जियां, अपनी हर चीज़ उगाई अपना, और इसी से एक इंसानी तौर पर आज़ादी, ग्राम स्वराज मतलब एक गांव के तौर पर आज़ादी, और तभी देश के स्तर पर आज़ादी आएगी।